बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स यूनिटी का आगाज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम करना सीखी और उनकी मदद से इनके शॉर्टकट्स भी सीखे। आज हम इनकी जो है प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर वन है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। इस स्टेटमेंट को मैं ट्रांसलेट करता हूं, अगर आप ओमेगा वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लें तो आपको ओमेगा वाली वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर लें ये वाली वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो इसकी मिलेगी। आइए स्टूडेंट हम आगाज करते हैं कि पहले इसका स्क्वायर लेते हैं, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर ए टू, इसका हम स्क्वायर लेते हैं। स्टूडेंट इसको आप फर्स्ट नंबर ए कहें, इसको आप सेकंड नंबर बी कहें। स्टूडेंट आपने ए प्लस बी का स्क्वायर तो पढ़ा होगा, वो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। योर फर्स्ट नंबर इज माइनस वन एंड सेकंड नंबर इज स्क्वायर रूट माइनस थ्री। जब भी नेगेटिव आए इसे ब्रैकेट में लिखें, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर प्लस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर टू स्क्वायर इज फोर। मैंने क्या किया इस स्टेप में, इस स्क्वायर को एक्सटेंड किया, ओपन किया। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर मीन माइनस, प्लस लगाना प्लस ही है, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर फिर प्लस ही लगाना है, टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर वन, बिकॉज स्क्वायर माइनस को खत्म करता है, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा माइनस को नहीं करेगा, तो ये माइनस थ्री। माइनस इंटू प्लस माइनस, टू इंटू वन टू स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर इज इक्वल टू वन माइनस थ्री डेट इज माइनस टू। माइनस टू स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि न्यूमिनेटर से टू कॉमन आ रहा है, टू इज कॉमन, माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर। और स्टूडेंट टू वन जार टू, टू टू जार फोर, कॉमन लिया टू और कॉमन ने डिनोमिनेटर में फोर को कैंसिल कर दिया, तो माइनस वन माइनस के रूट माइनस थ्री ओवर टू। और देखा जाए तो ये आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी और ये आपकी ओमेगा की वैल्यू थी। तो मैंने ओमेगा वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, मुझे ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू मिल गई। सिंपलीफिकेशन आपके सामने है। सिमिलरली अब हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और हमें ओमेगा वाली वैल्यू मिलेगी। वो देखेंगे आप के गौर से देखेंगे कि इसमें हम ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमें ओमेगा वाली मिलेगी। तो माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको अपना फर्स्ट नंबर ए कहें और स्क्वायर रूट माइनस थ्री को बी कहें। तो जब मैं फर्स्ट नंबर कहूं इट मीन्स माइनस वन, सेकंड नंबर कहूं तो ये माइनस टू। तो स्टूडेंट ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। जब भी माइनस आए ब्रैकेट में लिखेंगे। इस केस में वन के साथ भी माइनस है, स्क्वायर रूट के साथ भी माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखना आपने, ठीक है? तो स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर मीन माइनस वन प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मीन
स्केयर रूट माइनस ए थ्री स्केयर प्लस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस वन, सेकेंड नंबर स्केयर रूट माइनस थ्री ओवर टू स्केयर क्या होगा, टू स्केयर इज फोर। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्केयर ऑफ सेकेंड नंबर प्लस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। याद रहे कि नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और हर टर्म के बाद प्लस लगाना है। ये देखे देखे फर्स्ट टर्म, इसके बाद मैंने प्लस लगाया, फिर सेकेंड टर्म, इसके बाद मैंने प्लस लगाया, लगाना प्लस ही है, हर टर्म के बाद प्लस लगाएंगे। देखिए फर्स्ट टर्म के बाद प्लस, सेकेंड टर्म के बाद प्लस, ये आपने तज़ीम रखना है। अगर माइनस है तो उसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। अब इसको ओपन करें, माइनस वन स्क्वायर वन, माइनस वन स्क्वायर माइनस को खत्म करता है, ये जो स्क्वायर है इस माइनस को खत्म करेगा और स्क्वायर रूट को खत्म करेगा, मगर थ्री के अंदर, थ्री के साथ स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव है उसको खत्म नहीं करेगा। तो प्लस माइनस थ्री, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस इंटू प्लस, प्लस टू इंटू स्केयर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, प्लस टू स्केयर रूट माइनस थ्री ओवर फोर। न्यूमिनेटर से टू कॉमन आ रहा है तो टू इज कॉमन, माइनस वन प्लस स्केयर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, तो ये कैंसिल हो गया, टू ने फोर को कैंसिल किया, तो माइनस वन प्लस के रूट माइनस थ्री ओवर टू। देख लें स्टूडेंट कि मैंने ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू ली थी और देखें कि ये ओमेगा वाली वैल्यू होगी, ये आपकी ओमेगा स्केयर की वैल्यू थी और ये ओमेगा की वैल्यू थी, तो मैंने ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू का स्केयर लिया तो ओमेगा वाली वैल्यू आ चुकी है। तो हैंस प्रूव्ड, हम ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रॉपर्टी की समझ लगी होगी, लग चुकी होगी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी इज वन। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमने प्रूव करना है कि इन तीनों को, इन तीनों रूट्स को वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो वन आता है। ये मैंने इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया है मैथ में कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये देख लें ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वन आता है। इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिखेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन का प्रोडक्ट क्या होता है, ओमेगा क्यूब। ये भी एक बार रिजल्ट है, एक्चुअली ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब एक ही चीज है, ये वर्डिंग में लिखी हुई है, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में किया है, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो वन की कितनी क्यूब रूट्स हैं, थ्री हैं। तीनों का जो प्रोडक्ट है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये स्टूडेंट वन आएगा, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ सकते हैं, और इनका प्रोडक्ट लिया तो ओमेगा क्यूब है। हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे जो कि हमें हमारी बुक में जिक्र है। आइए स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड लेते हैं, आते हैं। तो नाउ स्टूडेंट के ओमेगा क्यूब को हम, अभी मैंने बताया था कि ओमेगा क्यूब को वन इंटू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देख लें, मैंने ऊपर बता दिया है कि ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा क्यूब जो है, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट है। अब आप क्या करें, इनकी वैल्यूज लिख दें। वन तो खत्म हो गया, ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू। स्टूडेंट इस वन को ए समझेगा, स्केयर रूट को बी, वन को ए स्केयर रूट को बी,
आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यहां मैं अप्लाई करूंगा, यूज करूंगा। a मीन माइनस वन, बी मीन स्क्वायर रूट माइनस थ्री। तो ये कहेगा ए स्क्वायर मीन माइनस वन स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर ओवर टू इंटू टू ओवर टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस माइनस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ माइनस वन प्लस वन, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म करेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है इसको खत्म है नहीं करेगा। तो वो वन माइनस माइनस थ्री, टू टू आर फोर। इसके बाद स्टूडेंट माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये वन प्लस थ्री ओवर फोर, तो वन प्लस थ्री फोर ओवर फोर, तो डेट इज वन। तो यही देखें हमारी जो है वो राइट हैंड साइड आ चुकी है। देखिए स्टूडेंट, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और मैं राइट हैंड ले आया हूं, तो हैंस हमने ये बात जो है वो प्रूव कर दी है कि ओमेगा क्यूब जो है वो वन होता है। यहाँ स्टूडेंट्स आपके लिए एक दिलचस्पी की बात, किसी भी नंबर की जो क्यूब रूट्स होती हैं उनका प्रोडक्ट वही नंबर होता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने 64 की क्यूब रूट निकाली है जो कि 4 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर था। अगर आप इन क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट लें तो अगेन 64 आएगा। देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 4 16 16 4 64, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। और स्टूडेंट ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो 64 इंटू 1 तो 64। देख लें, हमने प्रूव कर दिया कि 64 की क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी 64 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल, माइनस 125 की क्यूब रूट निकालनी सीखी प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में। आप लेक्चर नंबर 6 लास्ट में देखें, फिर लेक्चर नंबर 7 में आए, फिर आपको समझ लगनी है। माइनस 125 की क्यूब रूट क्या थी स्टूडेंट्स, के माइनस 5 माइनस 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर थी। स्टूडेंट ये आपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में सीखी, उसको देखें। इन तीनों क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट अगेन माइनस 125 आएगा। चेक कर लेते हैं कि माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 ओमेगा मल्टीप्लाई माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 125 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब स्टूडेंट 1 होता है। तो देख लें कि माइनस 125 की क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी माइनस 25 होता है। किसी भी नंबर की क्यूब रूट का प्रोडक्ट वही नंबर दोबारा आता है। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स दी, आप और भी बहुत सारे नंबर की एग्जांपल को और सकते हैं। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 8 की जो क्यूब रूट्स हैं वो थी 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। आप इन तीनों रूट्स को जो कि 8 की क्यूब रूट्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 3 है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। और ये चीज हमने प्रूव करनी है। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हम अपने लेक्चर नंबर 6 में प्रूव कर चुके हैं, और वो लेक्चर देख के याद में देखिएगा, उसके बगैर आपको नेक्स्ट समझ आना मुश्किल हो जाएगी। तो 1 की क्यूब रूट्स क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो
इन तीनों क्यूब रूट्स का जो सम लें स्टूडेंट वो हमेशा जीरो होता है, ये हमारा इस प्रॉपर्टी नंबर थ्री का टारगेट है जो हमने प्रूव करना है। और एज यू नो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इनके इक्वल है, ठीक है, ये आप लेक्चर नंबर जो है सिक्स में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमने प्रूव क्या करना है, बेसिकली हमारा जो टारगेट है जो हमने प्रूव करना है वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमने जो है ना वो प्रूव करना है। यानी ये देखें ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट्स, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट्स, और प्लस क्या है सम, इनका सम हमने जीरो लाना है, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर थ्री। तो एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे, राइट हैंड ले आएंगे। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है आपकी जी, तो वो क्या है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है स्टूडेंट, वो पुट करें वन प्लस ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट ये है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखें माइनस वन स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू। देखिए स्टूडेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या है, आई थिंक टू है, तो जाहिर है टू आपका जो है वो एलसीएम आएगा, टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई वन तो डेट इज टू आएगा, प्लस प्लस टू डिवाइड बाय टू वन, वन को न्यूमिनेटर माइनस वन प्लस के रूट माइनस थ्री से मल्टीप्लाई आप करेंगे, प्लस 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 टू इन को टू पे डिवाइड करो, टू को टू पे डिवाइड करो वन, वन को न्यूमिनेटर में माइनस वन माइनस के रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। स्टूडेंट और से देखें प्लस के रूट माइनस थ्री माइनस के रूट माइनस थ्री से कैंसिल हो गया, नंबर्स इक्वल हैं साइन ऑपोजिट है, टू सेम एज माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू ओवर ये टू, टू माइनस टू स्टूडेंट ये क्या आएगा जीरो ओवर टू, तो जीरो ओवर टू स्टूडेंट का तह है ये जीरो, यही स्टूडेंट आपकी राइट हैंड साइड है जो मैं ले आऊं, उम्मीद करता हूं आपको समझ लग चुकी होगी। तो हैंस के हमने प्रूव कर दिया वन प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आइए स्टूडेंट कुछ मैं आपको शॉर्टकट्स भी डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट किसी भी नंबर की क्यूब रूट्स का सम जीरो होता है, जरूरी नहीं है कि वन की क्यूब रूट का सम जीरो है किसी भी नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल एट की आप क्यूब रूट लें तो वो क्या था टू टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर, एट की जो क्यूब रूट्स हैं टू टू ओमेगा स्क्वायर इनका सम भी जीरो आएगा, चेक कर लें आप टू टू ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट टू कॉमन आ रहा है तो कॉमन के बाद मेरे पास क्या बचा वन प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये चीज वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है स्टूडेंट जीरो के इक्वल है, तो मैंने जीरो लिया। देख लें कि एट की क्यूब रूट का सम भी जीरो आया, किसी भी नंबर की क्यूब रूट का सम जीरो होता है। मैं एग्जांपल देता हूं जी कि माइनस 216 की क्यूब रूट्स क्या थी, लेक्चर नंबर सिक्स देखिएगा, तो ये थी माइनस सिक्स ओमेगा माइनस सिक्स ओमेगा स्क्वायर, तो इन क्यूब रूट्स का सम भी जो होगा वो भी जीरो होगा स्टूडेंट। अब देखिएगा तो माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स माइनस सिक्स ओमेगा माइनस सिक्स ओमेगा स्क्वायर, इनका जो है माइनस सिक्स कॉमन लें
तो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस सिक्स। देखिए स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, जीरो के। तो देखें ये आपके सामने जीरो आ गया, तो माइनस 216 की क्यूब रूट ली, माइनस सिक्स ओमेगा, माइनस सिक्स ओमेगा स्क्वायर। देन मैंने इनका सम लिया, अगेन देख ले जीरो, किसी भी नंबर की ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 64 की क्यूब रूट ले रहे हैं, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, आप इनका भी सम लें, आंसर क्या आएगा, जीरो। ये आपको मैं ऑफर में दे रहा हूं, करके मुझे सेंड कीजिएगा, नंबर आपका मेरे पास है 0300-760-7478, मेरा नंबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका भी सम लें तो जीरो आएगा। तो मुसल बात ये है कि सिर्फ वन की ही क्यूब रूट का सम जीरो नहीं है, हर नंबर की क्यूब रूट का सम जो है वो जीरो है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी समझ लग चुकी होगी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। स्टूडेंट्स अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आए तो हम कहते हैं दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। सिमिलरली देखें 3/5 मल्टीप्लाई 5/3 इनका प्रोडक्ट लें तो 1 आया, तो हम कहेंगे 3/5 एंड 5/3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट आपको पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखें वी नो डैट, स्टूडेंट हमें पता है वी नो डैट कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा, अभी इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा। ओमेगा क्यूब को मैं ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब को मैं ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इनको बैक सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। स्टूडेंट देखेंगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ओमेगा स्क्वायर सेकंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1। तो अभी मैंने क्या कहा कि जब टू रूट्स को मल्टीप्लाई करें 1 आए, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां देखें ये दोनों ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट लिया तो क्या आया 1। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहां से हम कर सकते हैं कि ओमेगा को इस पे डिवाइड कर दें, ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में, ओमेगा 1 को डिवाइड करेगा तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। यहां से हम ये भी रिजल्ट बना सकते हैं स्टूडेंट, यहां से हम ये भी रिजल्ट बना सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं कि रेसी प्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 1/ओमेगा। इसी तरह रेसी प्रोकल ऑफ ओमेगा इज 1/ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/ओमेगा है और ओमेगा का रेसिप्रोकल 1/ओमेगा स्क्वायर है, ये भी कह सकते हैं। मेन बात ये है कि ओमेगा स्क्वायर, जब भी आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, आप मुझे कहेंगे 1/ओमेगा। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, तो आप मुझे कहेंगे 1/ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। और वैसे भी इनका प्रोडक्ट ले लें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको समझ लग चुकी होगी। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो है 5 करते हैं, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रॉपर्टी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, तकरीबन ये हर क्वेश्चन में यूज होगी। ओमेगा की कोई भी पावर हो बट हो इंटीजर से, ओमेगा की कोई भी पावर हो इंटीजर से, उसका आंसर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से हटके कभी नहीं होगा, ठीक है। ओमेगा की कोई भी पावर हो इंटीजर से, उसका आंसर इससे हटके नहीं होगा। यहाँ इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं एक नेगेटिव होते हैं, तो मैं टू टाइप्स के इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं टू केस करूंगा।
केस नंबर वन देखेंगे स्टूडेंट कि अगर आपका एन बिलोंग करे पॉजिटिव इंटीजर से, अगर आपका एन बिलोंग करे पॉजिटिव इंटीजर से, तो एन की जगह पहले पॉजिटिव इंटीजर से मुराद क्या होगा स्टूडेंट, जीरो प्लस वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ओमेगा हम जीरो से शुरू करते हैं, ओमेगा जीरो वन होता है, ओमेगा वन ओमेगा ही होता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही होता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये पावर थ्री है ना, तो इस थ्री को आप थ्री पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया जीरो, शॉर्ट ट्रिप बता रहा हूं। तो जो रिमाइंडर थ्री पे क्यों डिवाइड करना है, ओमेगा क्यूब वन होता है, तो वैसे भी पढ़ा हुआ है कि ओमेगा क्यूब वन होता है, वैसे भी पढ़ा हुआ है हमने ओमेगा क्यूब क्या होता है वन होता है। ओमेगा फोर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ओमेगा फाइव ओमेगा सिक्स ओमेगा सेवन और बहुत सारी पावर्स, ओमेगा फोर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, फोर को आप थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आया वन, रिमाइंडर क्या आया वन, तो ओमेगा फोर इक्वल होगा ओमेगा पावर, रिमाइंडर कितना है वन, तो ये ओमेगा वन इक्वल। ओमेगा फाइव किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, फाइव को फिर आप थ्री पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया जी टू, तो रिमाइंडर क्या आया है थ्री पे डिवाइड करने के बाद टू, तो देखे ओमेगा फाइव ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, थ्री पे क्यों डिवाइड करते हैं ओमेगा क्यूब वन होता है, थ्री पे क्यों डिवाइड करते हैं ओमेगा क्यूब वन होता है। तो याद रखना ओमेगा क्यूब जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के दरमियान में एक रिलेशन है, सिक्स है, सिक्स को थ्री पे डिवाइड करें, सिक्स को आप थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आया जीरो, तो ओमेगा जीरो वन, तो देख लें ओमेगा सिक्स इक्वल टू वन होता है। ओमेगा सेवन, सेवन को अगेन आप जो है वो थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है वन, तो देख लें ओमेगा सेवन ओमेगा वन के इक्वल है। इसी तरह ओमेगा जो है हम अलेवन करते हैं, अलेवन को थ्री पे डिवाइड करें, अलेवन को थ्री पे डिवाइड करें तो ये क्या है रिमाइंडर टू, तो ओमेगा अलेवन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ट्वेल्व, 12 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आता है जीरो, तो ओमेगा जीरो इज ए वन। ओमेगा 13 क्या होता है, 13 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर वन। ओमेगा 14, 14 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आता है जी टू। ओमेगा 15, 15 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर जीरो वन। ओमेगा 29, 29 को 3 पे डिवाइड करें ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 100, 100 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1। मुख्तसर बात यह है ओमेगा की कोई भी पावर हो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा आंसर यहां तो 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, इससे बाहर इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा स्टूडेंट। मैंने केस वन में कहा कि ओमेगा की कोई भी पावर हो चेक कर लें उसका आंसर जो है वो वन, ओमेगा और ओमेगा के दरमियान में रह रहा है, इससे नहीं निकलना ठीक है। ये मैंने केस वन डिस्कस किया था जिसमें एन पॉजिटिव था, अब हम केस टू डिस्कस करेंगे जिसमें एन क्या होगा नेगेटिव होगा, आइए वो केस नंबर टू डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट। केस नंबर टू है एन बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, ओमेगा की पावर एन में हम पहले माइनस वन पुट करेंगे, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इस तरह पुट करते जाएंगे, आपका आंसर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के दरमियान ही आएगा। देखिए स्टूडेंट ओमेगा माइनस वन, इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं समझाने लगा हूं कि ओमेगा माइनस वन किसके इक्वल है स्टूडेंट, इस पार को पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए जाहिर है वन थ्री पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसमें थ्री ऐड कर दें, थ्री क्यों ऐड करना है ओमेगा क्यूब वन होता है, तो देख लें माइनस वन प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर, देख लें ओमेगा माइनस वन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरली ओमेगा माइनस टू लें,
थ्री पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो माइनस टू में अगेन थ्री ऐड करें तो ये वन आएगा, माइनस टू प्लस थ्री वन, थ्री क्यों ऐड किया, ओमेगा क्यों वन होता है। इसी तरह ओमेगा माइनस थ्री, तो थ्री ओमेगा थ्री को थ्री पे डिवाइड करें, रिमाइंडर जीरो आता है, फिर इसमें थ्री ऐड कर दें तो ये ओमेगा क्यूब वन आता है। अगली एग्जांपल में ज्यादा समय लगेगी इसकी। ओमेगा माइनस फोर, स्टूडेंट फोर को पहले थ्री पे डिवाइड करें, फोर को पहले आप थ्री पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया वन, बट ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो थ्री पे डिवाइड किया तो देखें ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा माइनस फाइव, फाइव थ्री पे डिवाइड हो सकता है, फाइव थ्री पे डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर क्या आया टू, तो ये माइनस टू, ये माइनस, बट नेगेटिव खत्म करना है तो इसमें थ्री पे डिवाइड कर दें तो माइनस टू प्लस थ्री ओमेगा। मुख्तसर बात, नेगेटिव नंबर अगर थ्री से बड़ा हो पहले थ्री पे डिवाइड करें फिर रिमाइंडर में थ्री ऐड करें। इसी तरह ओमेगा माइनस सिक्स, सिक्स को थ्री पे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर जीरो आएगा, फिर जीरो में थ्री ऐड करें ओमेगा क्यू, ओमेगा क्यू वन होता है। इसी तरह ओमेगा माइनस सेवन, सेवन को थ्री पे डिवाइड करें, जरा सोच के बताएं रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा, सेवन के साथ माइनस है तो वन के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो थ्री ऐड कर दें तो माइनस वन प्लस थ्री, तो ये ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा माइनस एट, तो आपने एट को थ्री पे डिवाइड करें, सोच के बताएं रिमाइंडर क्या आएगा जी, माइनस माइनस टू आएगा, एट के साथ नेगेटिव है तो टू के साथ भी नेगेटिव आएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो थ्री ऐड करेंगे तो माइनस टू प्लस थ्री ओमेगा वन। और एग्जांपल देता हूँ जी, ओमेगा माइनस नाइन, तो नाइन को थ्री पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा सोचें जीरो। अब इसको पॉजिटिव बनाएं तो थ्री ऐड करें तो ओमेगा क्यूब वन। ओमेगा माइनस टेन किसके होता है, टेन को थ्री पे डिवाइड करें तो ये आपका रिमाइंडर वन आया है, टेन के साथ नेगेटिव है तो वन के साथ भी नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पार को पॉजिटिव बनाना है तो थ्री ऐड कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा माइनस सेवेंटी सिक्स किसके इक्वल होता है, ओमेगा माइनस सेवेंटी सिक्स किसके इक्वल होता है, सेवेंटी सिक्स को थ्री पे डिवाइड करें, थ्री टू आर सिक्स और थ्री फाइव आर फिफ्टीन, तो रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट वन, तो ये वन, सेवेंटी सिक्स के साथ माइनस है तो ये भी माइनस, तो ओमेगा माइनस सेवेंटी सिक्स को थ्री पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया वन, सेवेंटी सिक्स के साथ माइनस है तो वन के साथ भी माइनस है। अब इसको पॉजिटिव करना है तो थ्री ऐड कर दें, तो क्योंकि ओमेगा माइनस वन हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर वन ओमेगा और ओमेगा स्केयर है तो ये ओमेगा स्केयर है। इसी तरह आप स्टूडेंट ओमेगा माइनस थर्टी सेवन, ओमेगा माइनस फोर्टी वन, ये आप खुद करें और मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं उस पर कमेंट्स करूंगा, लाजमी लिखूंगा, ठीक है। तो इस किस्म का कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, ओपनली हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी डिस्कस की, जो फोर प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर फाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी यूज होगी बट ये कुछ ज्यादा ही यूज होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी नंबर फाइव की ओमेगा एन का आंसर यहाँ तो ओमेगा ओमेगा स्केयर वन होगा, इससे हटके नहीं होगा, मगर कंडीशन है कि एन इंटीजर से बिलोंग करे, इससे हटके ना करे। तो आज के इस लेक्चर में हमने फाइव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको बार बार देखिएगा। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप
तक आसानी से पहुंच सकें। स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ, हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।